हे व्हाट्सअप गाइस, हम आकाश एंड यू आर वाचिंग आकाश टॉक। सर, आज के वीडियो के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं आईसीएसई 2020 एंड आईएससी 2020 को, ठीक है। एंड वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है यार। इस वीडियो के अंदर मेरे तीन सवाल है, जो सवाल तुम लोग काफी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे हो। पहला सवाल था कि भैया इस सिचुएशन के अंदर क्या आईसीएसई एग्जाम कंडक्ट करेगा। देख फिर, बहुत बढ़िया कि वो लोग नोटिस दे दिया फर्स्ट मे को कि हम लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अच्छा यार, बहुत बढ़िया, तुम लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, भैया अगर एग्जाम कंडक्ट करता है तो क्यों डेट रिलीज नहीं कर रहा है? ये सबसे बड़ा यार क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। अगर कोई भी आईसीएसई के काउंसिल के टीचर ये वीडियो को देख रहे हो यार, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग सीबीएसई को फॉलो करते हो, ठीक है, सीबीएसई के वैसे सीबीएसई एग्जाम लेगा तो आप लोग भी एग्जाम ले रहे हो, बहुत बढ़िया। बट सीबीएसई 8 मई को उसका जो एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दिया कि कब से कौन सी टाइम में क्या एग्जाम लेगा, तो फिर आप लोग क्यों एग्जाम डिलीट नहीं कर रहे हो, या फिर एग्जाम डेट्स क्यों रिलीज नहीं कर रहे हो, रीजन क्या है? आई वॉन्ट टू आस्क ईच एंड एवरी टीचर, दोज हु आर राइट नाउ वॉचिंग ऑल्सो, एंड इट इज नॉट माई वॉइस, इट इज ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु वॉच मी एंड दोज हु आस्क मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच रिलेवेंट बिकॉज ये उनका फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों का एग्जाम लेना ही है, अब बोल दिए कि हाँ एग्जाम लेंगे, रिमेनिंग सब्जेक्ट के ऊपर हम एग्जाम लेंगे, तो डेट क्यों नहीं रिलीज कर रहा है? मेरा यही क्वेश्चन है यार, मेरा यही सवाल है। इतना दिन हो गया, फर्स्ट मई को लास्ट नोटिस आया था, उसके बाद हम लोगों ने वगैरह वगैरह जो भी नोटिस डाले हैं उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैं इस वीडियो बना रहा हूँ नॉट एज अ एडुकेटर, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। मैं हर एक स्टूडेंट के साथ हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हर एक स्टूडेंट के साथ हूँ, ठीक है। जितने भी लोग यार देख रहे हो, आई एम विथ यू एंड दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, टू टेल ऑल द काउंसिल टीचर्स दैट व्हेन यू ऑल विल गोइंग टू गिव आवर डेट, अगर आप लोग डेट्स नहीं देंगे तो हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे? इतना टाइम हो गया है, डेट्स क्यों नहीं आ रहा है, रीजन क्या है? अब बोलेंगे लॉकडाउन, तो अगर एग्जाम लेना ही नहीं तो पहले बोल दिए कि एग्जाम नहीं लेना है हमको, ठीक है। अगर लेना है तो सीबीएसई डेट रिलीज कर रही, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे, रीजन क्या है? ये लोग बोलिए रीजन क्या है। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हमने इतना मेल्स किया यार, तुम लोगों ने ट्विटर के अंदर इतना कुछ बोला, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा, डेट्स रिलीज नहीं हो रहा। अगर डेट या रिलीज नहीं हो रहा तो बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेगा? आप लोग ये सोचिए ना यार, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ना ही किसी को ब्लेम कर रहा हूं, बट मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, दिस इज माई क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन आई एम नॉट आस्किंग नॉट एज अन एकेडमी एडुकेटर, नॉट एज अ टीचर, ठीक है, नॉट एज अ मेंटर, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू काउंसिल्स एज अ स्टूडेंट, एंड मैं स्वयं हर एक आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट के साथ हूं, ठीक है यार, दैट्स अ मेन थिंग। तो कुछ भी अगर हो जाए आई विल बी विद देम। सो यार, एक रिक्वेस्ट मैं सबको कर रहा हूं यार लास्ट थ्रू दिस वीडियो, कि 8 मई को सीबीएसई ने रिलीज किया एंड आज और 16th, उसका डबल हो गया, 16th हो गया है, ठीक है, बट फिर भी दे आर नॉट गिविंग और दे आर नॉट डिक्लेयरिंग एनी डेट्स। सो वी विल डू वन थिंग, और मैं सबको और एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार तुम लोग ट्राई करो मेरे साथ, ट्राई नहीं यार, मेरे साथ ज्वाइन करो, बिकॉज आई एम विथ यू एंड तुम सारे मेरे साथ होने चाहिए, ठीक। हम लोग ट्विटर के अंदर जाके एक ट्वीट करेंगे जिसके अंदर हम एक हैशटैग यूज करेंगे। मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ यार, ये हैशटैग यूज करो यार, इसका कुछ होना चाहिए, ठीक है। हैशटैग क्या होगा? आईसीएसई डिक्लेयर डेट। अगर सीबीएसई डेट डिक्लेयर कर दिया तो आईसीएसई क्यों नहीं? अगर तुम लोग उसको फॉलो कर रहे हो तो यार हम लोगों की जिंदगी काय झमेला में फैल रहा, हम लोगों का क्या फ्यूचर कुछ नहीं है? अगर आप लोग बोलेंगे कि एग्जाम नहीं देने तो बोल दीजिए। अब फिर से यार नोटिस आया था कि यार नहीं हम लोग एग्जाम लेंगे, तो अगर एग्जाम लेना है तो यार वो भी बोलिए ना, डिक्लेयर करिए ना, काहे दो मंथ के ऊपर, मतलब सीबीएसई तो कर दिया, आप लोग कर क्या रहे? मेरा यही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, और एक बार बोल रहा हूँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट आई एम देयर विद स्टूडेंट, जो स्टूडेंट लोग करेगा मैं उसके साथ हूँ, एंड मैं इसके ऊपर आवाज उठाऊंगा कि वो क्यों नहीं हो रहा है, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। तो चलो यार, कोई नहीं, मैं अपना ट्विटर हैंडल नीचे दे दूंगा, तुम लोग सारे लोग जाके ट्वीट करना कि आईसीएसई डिक्लेयर डेट, अगर एग्जाम लेना है डिक्लेयर करो डेट को, ठीक है, डिक्लेयर करो डेट को, अगर नहीं लेना है उसका नोटिस डालो, कुछ नहीं बोल रहे तुम लोग, नम हो क्यों, मतलब अपना मुंह क्या बंद है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं, एंड ऊपर से जो भी सिचुएशन आ रहा है, मैं सिचुएशन के ऊपर नहीं जा रहा हूं, जो भी हो रहा है आप लोग अपना डिसीजन बोलिए, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। अगर सॉरी टू से अगर मैं किसी को ऑफेंड किया, अगर मैं किसी का से उंगली दिखाया, सॉरी टू से मैं माफी मांगता हूँ सबसे, टू ऑल टीचर्स दोज़ हू आर राइट नाउ वॉचिंग माई वीडियोज, टू ऑल टू मतलब पेरेंट्स ऑल्सो, बट पेरेंट्स का भी ये चीज़ वॉइस है, क्योंकि यार पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर फिक्र है, ठीक है यार, दैट्स अ मेन थिंग।
सो प्लीज ट्राई करो, शेयर करो इस वीडियो को अमंग विद योर फ्रेंड्स, अमंग विद योर क्लासमेट्स, अमंग विद योर टीचर्स। सब टीचर्स को पता होना चाहिए यार, क्यों नहीं होगा यार। सीबीएसई डेटा का डिक्लेयर करता है तो आईसीसी क्यों नहीं करेगा, डेट से क्लियर। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, सिया, हैव अ गुड टाइम। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना यार, चाहे लाइक करो सब्सक्राइब करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम शेयर करोगे वीडियो को, ठीक है, एंड ट्विटर के अंदर आके ट्वीट करोगे। तब तक के लिए चलते हैं, सिया, हैव अ गुड टाइम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।